सभी भाइयों को मेरा जय हिंद जय नेपाल। मेरा नाम सागर सुवेदी है और मेरी उम्र 25 साल है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। वही पर्सन है जिसे लोग टकले करके बुलाते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई गंजा, कोई टकला, कोई मुंडा, कोई कुछ कुछ बोलकर पुकारते हैं। क्या आप भी फोटो खिंचाते समय, सेल्फी लेते समय पीछे हो जाते हैं, फोटो खींचने से बचते हैं, कहीं जाने से बचते हैं, कॉन्फिडेंस आपका चला गया रहता है? तो दोस्तों, बालों को लेकर आप परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि आपका भाई आ गया हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियो लेके। जिन लोगों ने बालों की वजह से बहुत सारे कॉन्फिडेंस खोए हैं, अब कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा। सो आज मैं आपको सर्जरी दिखाने वाले हूँ। बहुत ही अच्छा पेशेंट थे टर्की से, जहां से हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में टर्की में सबसे ज्यादा अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है। पेशेंट वहां जॉब करते हैं, बेसिकली वो रहने वाले नेपाल के हैं। तो पूरी डिटेल्स आपको आज दूंगा, तो पहले ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अमेजिंग और अच्छा होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सागर जी को, जिन्होंने यहां आकर पुणे महाराष्ट्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया मेरे रेफरेंस से। जी हां दोस्तों, ये टर्की में काम करते हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट ये लगता है कि पेशेंट टर्की छोड़कर मेरे पास आके मेरे रेफरेंस से हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोग बाहर से, इंडिया के बाहर से आके हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच सागर जी, ऐसा लगता है कि अपने भाई आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाए। इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर यानी कि इस क्लिनिक में कुछ ना कुछ खासियत तो होगी कि यहाँ लोग दूर दूर से आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए, जहां से मैं आपको रेफरेंस देता हूं, जहां से मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इनके बारे में आज पूरी आपको डिटेल दूंगा, इनकी पेशेंट रिव्यू, इनकी मुंह जुबानी सुनाऊंगा, रियल बातें सुनाऊंगा। सो दोस्तों, पहले मैं इनकी बातें सुनाऊंगा, फिर इनकी बॉन्डनेस के बारे में बात करेंगे, कितना इनका गंजापन था, कैसी इनकी सर्जरी हुई, कैसी इनको हमने डेंसिटी दी, कितना कॉस्ट लगा, पहले इनकी मुंह जुबानी सुन लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा जय हिंद जय नेपाल। मेरा नाम सागर सुवेदी है और मेरी उम्र 25 साल है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरे करीबन 5 साल से बाल लगातार झड़ने के कारण मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था और बहुत परेशान भी हो गया था मैं, और हमेशा बैक साइड ही रहता था। मेरे को फ्रंट आने में बहुत डर लगता था, जैसे शादी में और जैसे होता है ना फंक्शन या फिर कोई फेस्टिवल में, मैं हमेशा बैक साइड में रहता था, क्योंकि मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। आजकल तो शादियों में आपको पता ही है, सेल्फी का ज़माना है, तो मैं हमेशा पीछे रहता था फोटो वोटो खिंचवाने से। मैं बहुत डिप्रेशन में भी चले गया था। फिर उसी दौरान मैं भूपेंद्र भाई का वीडियो देखा और भूपेंद्र भाई से मैंने कांटेक्ट किया, तो भूपेंद्र भाई ने एक प्रोसेस बताया था जिसमें आप लोग को 5000 का पहले डिपॉजिट करना पड़ता है ऑनलाइन, उसके बाद एक आपको एक डेट मिलती है, आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है, उस डेट को आपको आके अपना सर्जरी करवाना पड़ता है। और आज मेरा फाइनली सर्जरी हो गया, मैंने हैप्पी हूँ और डॉक्टर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के टीम वर्क और यहाँ पे मेरे को रहना खाना पीना एकदम बहुत अच्छा था, हैप्पी हूँ। इन्होंने मेरे को हेयर ट्रांसफर ही नहीं, मेरे को एक नई जिंदगी दी है। मैं गिरा हुआ था, मेरे को उठा के फिर से चलना सिखाया। मैं तुर्की से हेयर ट्रांसफर के बारे में भी बहुत सोचा था करवाने के लिए, मगर वहाँ बहुत एक्सपेंसिव था, मेरा हेयरलाइन बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद 1.5-2 लाख की बात हो रही थी, तो मैं वहाँ से करवाना छोड़ दिया, फिर मैं यहीं आके हेयर ट्रांसफर करवाया और मेरा हेयर ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने हेयर ट्रांसफर से। ओके, आपको कुछ तो समझ में आया होगा, यानी कि आप बाहर भी रहे, चाहे इंडिया में रहे, आप कहीं पर भी रहे, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, अपने गंजेपन को दूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, गंजेपन के शिकार हैं या फिर आपके सर पे बाल नहीं है, आप ये सोचते कि मैं सेल्फी नहीं लूंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी लाइफ खत्म हो गई है, तो बिल्कुल ये मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर हमारा अंत हो जाता है। लेकिन अगर आपके सर पे बाल हो, आपके सर पे घनघनाते बाल हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर हो, तो क्या हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर मेरी बातें आपको सच्चाई लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो
पूरा शेयर कर दीजिए जितना हो सके आप लोगों से। तो बढ़ते हैं इनके बॉलनेस, इनके गंजेपन की तरफ, जो कि ये रहा। आप देख सकते हैं कि आधा सर इनका गंजेपन के शिकार हो चुका है और फ्रंट में कोई हेयरलाइंस आपको नजर नहीं आ रही। आधा सर पूरा गंजापन है, पूरी चिकनाहट है, और इसी पे हेयरलाइंस करने हैं, इसी पे हेयरलाइंस डिजाइन करनी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों कि फोर फिंगर छोड़ के इनका हेयरलाइन डिजाइन किया गया था और इनसे भी पूछा गया था कि हेयरलाइंस कैसे बनाए जाए। तो डॉक्टर सब सजेशन लेके आपके चॉइस से, आपके हिसाब से हेयरलाइन डिजाइन करते हैं और अच्छा हेयरलाइंस डिजाइन करते हैं। बढ़ते इनकी सर्जरी की तरफ। इनकी सर्जरी हुई दोस्तों ग्राफ्ट निकालते समय FUE टेक्निक से और ग्राफ्ट लगाते समय नीडल टेक्निक से। जी हाँ दोस्तों, दो टेक्निक का प्रयोग करके इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनको डेंसिटी दी गई है, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्लिनिक, इस क्लिनिक की खासियत ही है कि यहाँ डेंसिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी डेंसिटी दी जाती है, घनत्वपन दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में इनको हेयरलाइंस बहुत अच्छी मिले, इनके रिजल्ट बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों ये रहा सर्जरी, बहुत ही नेचुरल सर्जरी इनको करके दिया गया है। और दोस्तों क्लिनिक के बारे में मैं कुछ आपको समझा दूं, जो कि कमेंट्स और कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं बुकिंग कैसे करवाऊं, यहाँ चार्जेस क्या होते हैं और कैसे मैं पूना जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो होता है कि मैं बुकिंग कैसे करवाऊँ, तो ये दिया हुआ नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे दोस्तों। तो क्लिनिक में आप अपना व्हाट्सअप करेंगे फोटोज, वो आपके फोटोज देख के आपके ग्राफ्ट बता देंगे कि आपको कितने ग्राफ्ट लगने हैं, उस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट बनेगा। जितना भी आपका ग्राफ्ट का चार्जेस होंगे, सिर्फ ₹15 पर ग्राफ्ट के हिसाब से आपको कॉस्टिंग लगेगी, वो 2000 ग्राफ्ट हो, 3000 ग्राफ्ट हो, ये 4000 ग्राफ्ट हो। जब ये डिसाइड हो जाएगा तब तो आपको एक डेट फिक्स करनी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, चाहे आप कोई सा भी डेट फिक्स करवाएं, उस डेट के लिए आपको ₹5000 क्लिनिक के अकाउंट में जमा करवाने हैं। ये प्रोसेस कंपलसरी है, जिसे हम बुकिंग प्रोसेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ₹5000 अमाउंट जमा करवाने पड़ते हैं, लेकिन वो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता, आपका टोटल अमाउंट जितना भी होता है उसमें वो 5000 कट जाता है, यानी कि वो 5000 छोड़ के आपको अमाउंट पूरा देना पड़ता है। या दोस्तों ये रहा बुकिंग का प्रोसेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों कॉस्टिंग कितनी होती है, ₹15 पर ग्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ₹15 पर ग्राफ्ट के हिसाब से ये चार्जेस लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। यहाँ आपको सुविधाएं, रहना, खाना और 5 दिन की गोलियां ये फ्री दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, आप कहीं से भी आए पूना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, आपको रहना खाना गोलियां फ्री मिलेंगी, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्लस मिलता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यहाँ आपको कोई PRP के लिए नहीं बोला जाता है, कोई मेडिसिन के लिए नहीं बोला जाता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया जाता है। दोस्तों मैंने भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, करीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए और मैंने आज तक कोई PRP, कोई गोलियां, कोई मेडिसिन खर्चे नहीं किए हैं, एकदम नेचुरल और सामने आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अभी तक कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं है। और जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है, बहुत ही कम लोगों को क्लिनिक वाले बोलते हैं कि आप गोलियां लो या मेडिसिन लो, वो भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं उनकी स्थिति देख के, कोई गोलियां, कोई मेडिसिन, कोई PRP लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कोशिश करते हैं कि लोगों का एकदम नेचुरल और अच्छा रिजल्ट आए और आप घने बालों के, अच्छे बालों के मालिक हो। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी बात, ये मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर लेना और इन पेशेंट को थैंक यू कर लेना। सवाल है आप लोगों के लिए, हर वीडियो में पूछते हैं कि ग्राफ्ट कितना है, ग्राफ्ट कितना है, कितने ग्राफ्ट आखिर लगे हैं पेशेंट के। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनके कितने ग्राफ्ट लगे हैं, आप मुझे बताइए। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके ग्राफ्ट के बारे में जानकारियां बढ़ेगी, कितने ग्राफ्ट में कितनी डेंसिटी दिया जाता है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि 2000 है, 3000, 4000, मैं करेक्ट ग्राफ आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को एक ग्राफ के बारे में नॉलेज पता चलेगा, एक इंफॉर्मेशन
पता चलेगा। तो हर वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आप जवाब जरूर देना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए साथी के साथ मैं फिर से मिलूंगा। और ध्यान रखिएगा कोरोना में अपने आप का, अपने फैमिली का। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।